नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एनएचएम महाराष्ट्र भर्ती 2022 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों एनएचएम महाराष्ट्र की ओर से जो है भर्ती आ चुकी है, इसमें जो है कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगा गया है, किस तरीके से जो है आप लोग को इसमें अप्लाई करना है, यहाँ पर जो है टोटल आपको कितनी पोस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलती है और कौन कौन सी जो है इसमें पोस्ट हैं, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों से मिस ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी वैकेंसी की डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महाराष्ट्र, ठीक है, स्टाफ नर्स यहाँ पर जो है पोस्ट नेम दिया गया हुआ है, ठीक है, एमओ आयुष, काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, यहाँ पर जो है पोस्ट नेम दिया गया हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 145 यहाँ पर वैकेंसीज हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है अप्लाई की डेट है लास्ट 15 जुलाई 2022, ठीक है। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर पे स्केल देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको पे स्केल देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSc, GNM, BAMS, MSW, DMLT यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। एज लिमिट की हम लोग बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 18 ईयर, ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम जो है पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर जो है 38 ईयर दिया गया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपकी कोई नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड जो है आप लोग को अप्लाई करना है, फॉर्म भर के इनका एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो है पोस्ट आपकी लोकेशन महाराष्ट्र रहेगी दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई हुई है, किस तरीके से जो है आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हुई है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है PDF आ जाएगा, ये PDF आप पढ़ लीजिएगा। आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है तो यहाँ पर जो है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 पेज का ये PDF है दोस्तों, कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर दी गई हुई है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें जो है पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है NHM महाराष्ट्र की है, ठीक है, इसमें जो है पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। सिटी प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल हेल्थ मैनेजर, 111 जो है वैकेंसी है, 25 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें, काफ़ी अच्छा पे स्केल देखने को मिल जाता है। सिटी प्रोग्राम मैनेजर में 35,000 और नेशनल हेल्थ मैनेजर में 32,000 आपको सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया हुआ है। एज लिमिट जो है 18 से यहाँ पर जो है 38 और 43 यहाँ पर दी गई है पोस्ट अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लगेगी दोस्तों 200 और 100 यहाँ पर जो है SC ST PWD कैंडिडेट से ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, टेस्ट और इंटरव्यू आपका इसमें होगा। ऑनलाइन मोड आपको अप्लाई करना है, जॉब लोकेशन महाराष्ट्र रहेगी, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन किस तरीके से जो है आप लोग को यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई करना है, यहाँ पर जो है आप लोग इसमें भी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे आप लोग PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने PDF आ जाएगा, पूरी डिटेल इसमें आपको देखने को मिल जाएगी पोस्ट अकॉर्डिंग। 7 पेज की ये PDF है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDF में पूरी डिटेल्स दी गई है, तो आप लोग जो है पोस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वैकेंसी दोस्तों, ये भी जो है NHM महाराष्ट्र की, ठीक है, 420 यहाँ पर पोस्टें हैं, ठीक है, इसमें जो है मेडिकल ऑफिसर, अटेंडेंट और MPW की टोटल पोस्टें आपको देखने को मिल जाती है। 420 पोस्टें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्टें हैं। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं, पोजीशन अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पे स्केल दिया गया हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, MBBS अटेंडेंट के लिए, BSc नर्सिंग, GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं। MPW के लिए यहाँ पर 12th मांगा गया है, 12th पास आप लोग हो तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है 38, 43, 70 ईयर यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपसे लिया जाएगा, ओपन कैटेगरी लिए 300, रिजर्व कैटेगरी के लिए 200, ठीक है। यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, टेस्ट इंटरव्यू होगा आप लोग का। ऑनलाइन जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मोड आपको ऑफलाइन जो है इसमें अप्लाई करना है दोस्तों। आपको जो है इनके एड्रेस पर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है स्पीड पोस्ट करना होगा। यहाँ पर जो है जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई हुई है, किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पर दिया गया हुआ है पूरी डिटेल। PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने PDF ओपन होकर आ जाएगा हर पोजिशन का, ठीक है, हर पोस्ट का, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 7 पेज की ये PDF है, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस PDF में जो है
भर्ती के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल थी पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कितनी कैटेगरी को जो है कौन कौन सी पोस्टें दी गई हुई है, क्या सैलरी है, ठीक है, क्या किस तरीके से आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके लगेंगे, तो पूरी डिटेल आपको इस PDF में देखने को दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, आई होप दोस्तों जो भी मैंने डिटेल बताई है इस पोस्ट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी मेरी इस वीडियो में। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहते हैं इसी तरह की जॉब अपडेट्स रिलेटेड वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।